आप सभी जानते हैं आज का दिन, आज का घटना क्यों और कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन लोगों ने किया था, ये सारी बात आप जानते हैं। यानी इस आज की तारीख, आज के दिन का कोई नया भाषण देने का जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। खैर, हम दूसरे परिवार के आदमी रहे, लेकिन आप लोग का श्रद्धा मेरे पिता के प्रति जितना था और उनका उतना प्रति आपके प्रति भी था, वो भी आप जानते हैं। आज हम इबादा के साथ कह सकते हैं कि मेरे पिताजी नहीं रहते तो हमारा जो शिव मंदिर है वो भी नहीं बनता। आज ये 63वां शहादत दिवस यहां हम लोग मना रहे हैं। निश्चित रूप से जिस क्रांतिकारी आवाज इस खूबसूरत वादियों से गूंजा था, वो क्रांतिकारी आवाज बेकार नहीं गया। और आज उस आवाज के बदौलत हम अपने वजूद, अपने अस्तित्व, अपने इस झारखंडी संस्कृति सभ्यता के साथ झारखंड प्रदेश में रह रहे हैं। एक लंबी लड़ाई, अपनी वजूद की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा। आज इस मंच पर हमारे साथ उस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने वाले और इस राज्य के जन्मदाता आदरणीय दिसम गुरु श्री भू सोरेन जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे साथ यहां मंच पर स्थानीय विधायक ममता देवी जी उपस्थित हैं। यहां हमारे साथ सरकार के पदाधिकारीगण मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं और आज पुनः इस शहादत दिवस के हम गवाह भी बन रहे हैं। इसके लिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहुत संक्षिप्त में रखूंगा, मौसम भी खराब है और इस खराब मौसम में भी आप लोगों का यहां एकत्रित होना निश्चित रूप से हमें एक ऐसी ताकत प्रदान करती है। उस ताकत के बदौलत इस राज्य के जरूरतमंद लोगों को, यहां के मूलवासी आदिवासियों के हक अधिकार को, यहां के किसान मजदूर नौजवान के अधिकारों को कैसे उनको दिला पाए। विभिन्न माध्यमों से आपके बीच में मुझे यहां संबोधन करने का मौका मिला, कभी विपक्ष के नेता होने के नाते, कभी मुख्यमंत्री होने के नाते, कभी विधायक होने के नाते, कभी
झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सिपाही होने के नाते कई बार और आज कई उतार चढ़ाव देखते हुए हम लोग निरंतर इस राज्य को एक दिशा देने का प्रयास में दिन रात लगे हुए हैं। अभी आपकी यहां पर सरकार है, अभी इस राज्य का सरकार के मालिक आप लोग हैं और आज आपकी भावनाओं के साथ ये सरकार आगे बढ़ रहा है। आज हर वो सोच जो आप सोचते हैं वही सोच अब ये सरकार सोचती है और उसी अनुरूप सरकार के कार्य योजनाएं भी बन रही हैं। अभी आपको पता है कि हमारे सरकार को बने हुए साल भर भी पूरा नहीं हुआ और इस साल भर के अंतराल में हम लोगों ने कितने दुख तकलीफें देखी। कोरोना जैसा महामारी पूरे दुनिया में फैला, हमारे गांव कस्बों में भी ये आया और स्थिति ऐसा हुआ कि हमको अपने ही घर के अंदर बंद होकर के रहने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसी स्थिति आ गई कि घरों से निकलना मना हो गया, गाड़ी घोड़ा हाट बाजार ट्रेन बस सब कुछ बंद हो गया था। हमारे मजदूर रोजगार पाने के लिए, हमारे बाल बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, हमारे रिश्ते नाती नौकरी चाकरी करने के लिए विभिन्न राज्यों में जाते थे और ये लॉकडाउन कोरोना के वजह से जहां के तहां लोग फंस गए थे। उस दौरान आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि किस तरीके से आप लोगों के इस आशीर्वाद से हम अपने मजदूरों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को विभिन्न माध्यमों से हो, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे बस से हो, चाहे हवाई जहाज से लोगों को ला करके उनको अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। ठीक है, नीचे थोड़ा नीचे नीचे।